सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपकी आवाज़ डालो वीडियो में, आपकी आवाज़ डालो। आपको कमेंट भी दिखाता हूँ, ये देखो कमेंट, कितने कमेंट आ रहे थे, एक के पीछे कमेंट आ रहे थे, आपकी आवाज़ डालो, आपकी आवाज़ डालो। कोई बोलेगा नहीं किसने आवाज़ डालने नहीं बोली आपको, पर मैं आप नहीं बोलोगे फिर भी मैं आवाज़ डालूंगा अभी तो। और हाँ, ये बात सच है कि डॉक्टर साहब गेम के अंदर आ रहे हैं। मैंने एसएपी टीम से बात भी की, वो बोले ये बंदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो अच्छे से खेलते हैं एग्रेसिव। जो भी कैंपिंग करेगा, कैंपरों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करने आ रहे डॉक्टर साहब जी बोले। जॉनी भैया आ रहे अभी, आप मान लो। जो भी लोग नहीं मानेंगे ना इस बात को, मुझे पता है, जो लोग मानने वाले ना उन्हें भी पता है ये बात कि उन्हें जॉनी भैया के काम पर पूरा भरोसा है। अगर आए तो पूरा काम करके ही जाएंगे। और मुझे टीम वाले ने उनके एबिलिटीज़ भी बताई थी जॉनी भैया की, उनके मूव्स भी बताए थे क्या क्या। उन्होंने वीडियो भेजी थी पर वो वीडियो मैंने डाल नहीं पाया क्योंकि वो प्राइवेट वीडियो है जॉनी भैया की, वो डाल नहीं सकते आप। अगर वो डालेंगे तो डंडे पड़ेंगे यूट्यूब की तरफ से हमें। डंडे मीन्स वो प्राइवेट पॉलिसी होती है ना हर गेम की, मतलब उन्होंने बोला जब हम बोलेंगे तभी डालना, अभी वो कब बोलेंगे उन्हें पता भाई। और जॉनी भैया के टैलेंट से आप सभी वाकिफ हो, पर फिर भी मुझे टीम ने स्पेशली बताया कि आप बता दो आपके सब्सक्राइबर लोगों को कि बंदे का टैलेंट क्या क्या है। बंदे का टैलेंट ऐसे, कभी वो डॉक्टर बन सकते गेम के अंदर, कभी इंजीनियर और पॉलिटिशियन, लॉयर, कुछ भी बन सकते हो। उन्हें ऐसा कुछ नहीं, उनका कोई ऐसा सीमित घेरा नहीं, उनका वो कुछ भी बन सकते गेम के अंदर, उनका ऐसा है स्पेशली। और उनका हेवी अटैक, अरे बाप, उनका हेवी अटैक ऐसा कि एक ही हेवी अटैक में बंदा ढेर हो जाना चाहिए। और जॉनी भैया को पाने के लिए आपको कोई सिल्वर, काले, पीले, नीले कोई भी कॉइन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ अच्छे से खेलना है गेम को, स्पैमिंग नहीं करनी है या कैंपिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपको सीधा ईमेल आएगा टीम की तरफ से, फिर आपको जॉनी भैया मिल जाएंगे। और जॉनी भैया का रेंज अटैक के बारे में बात आना भूल ही गए। रेंज अटैक ऐसा होगा जब वो हेवी अटैक करते ना, बहुत बार हेवी अटैक हो जाता है उनका, तब जाकर वो लास्ट में रेंज अटैक करते हैं। और रेंज अटैक इतना पावरफुल होता है कि जान दो, आपको पता है यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं बार बार। पर वो सिर्फ कैंपरों के लिए ऐसा करने वाले। और एसएफए टीम वाले इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाने वाले, जैसे लेजेंड होता है, लेजेंडरी होता है, एपिक होता है, रेयर होता है, कॉमन होता है, वैसे इनके लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स एज लेजेंड है, ऐसा ये कैटेगरी में आते जॉनी भैया। और गेम का ये पहला कैरेक्टर होगा जिसका कोई भी हिटर नहीं है, कोई हिट नहीं करता इस बंदे को, क्योंकि इसकी एबिलिटीज ऐसी है, इसके काम ऐसे हैं ना, जो इसने बड़े बड़े काम किए लाइफ में, इसलिए इसको गेम में लाया जा रहा है इस बार। क्योंकि गेम वालों ने भी देखा हम कितनी स्पैमिंग होती है, कितनी कैंपिंग होती है, उन्हें भी चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत से मैसेज भेजे, उन्होंने मुझे बोला हाँ भाई बना आपके लिए स्पेशल लाते, बोले कैरेक्टर, मैंने बोला ओके तो भेज दो उस कैरेक्टर को। और कुछ लोग फिर भी बोलेंगे भाई फेक वीडियो है, जॉनी भैया नहीं आने वाला। अरे भाई आपको पता जॉनी भाई के काम कैसे, अगर जो भी जॉनी भाई के भक्त है ना, उन्होंने कमेंट की बरसात कर दो यार नीचे। अगर जॉनी भाई के कट्टर फैन हो तो लाइक भी मारना मत भूलना। जॉनी भाई जल्दी आएंगे, मैं आप सबको फ्री गिव अवे करूंगा जो भी अच्छा गेम खेलता है। और दिल पे मत लेना ये वीडियो मजाक में थी, मुझे खुद हंसी आ रही थी, मगर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, गुड नाइट।